नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Realme C3 के अंदर आ चुका है लेटेस्ट वर्जन। देख सकते हैं आप यहाँ पे न्यू वर्जन डिटेक्टेड Android 10 Realme UI 8.33 का अपडेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस, मैं डाउनलोड कंप्लीट कर चुका हूँ और काफी बेहतरीन चेंजेस हैं जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है और साथ में गेम स्पेस वगैरह काफी कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के सबसे पहले हम फीचर्स को जानेंगे, उसके बाद हम अपडेट को इंस्टॉल कर लेते हैं और देन मैं आपको सभी सारे चेंजेस को बता देता हूँ। गाइस, सारे चेंजेस को हम परफॉर्म करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चेंजेस आपको Realme C3 के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। गाइस, ये है पूरा अपडेट लॉग जो कि आपको देखने के लिए मिल जाता है। गाइस, पहला जो चेंज है आपको सिक्योरिटी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिल जाता है जून 2020 का। ऑप्टिमाइज किया गया है यहाँ पे, ऑप्टिमाइज गेम ऑडियो की जो क्वालिटी थी उसे ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। सिस्टम की स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज किया गया है और प्रोबेबिलिस्टिक जो लैगिंग का इशू था वो भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। देन गाइस, आपको यहाँ पे कुछ नॉन इशूज थे जो कि यहाँ पे फिक्स कर दिए गए हैं। फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक लैगिंग इशू व्हेन प्रेसिंग पावर बटन टू लाइट अप स्क्रीन। जब आप प्रेस करते थे पावर बटन को लाइट अप करने के लिए स्क्रीन को, तो उसका टाइमिंग को यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया गया है और लैगिंग को भी सुधार दिया गया है। देन गाइस, आपके यहाँ पे फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक लैगिंग इशू व्हेन यूजिंग फिंगरप्रिंट टू अनलॉक। फिंगरप्रिंट को जब आप यूज करते थे तो उसको अनलॉक करने में काफी टाइम लग जाता था, तो उस लैगिंग इशू को भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इशू दैट वेदर ऐप फेल टू ऑप्टेन लोकेशन। गाइज, वेदर ऐप था वो आपकी ऑप्टेन कर नहीं पा रहा था लोकेशन को, यानी कि लोकेशन लेने के टाइम पे वो फेल कर जा रहा था, वो भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। देन गाइज, आपको नेक्स्ट जो इशू सॉल्व किया गया है वो आपका फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इशू दैट गेम सेंटर FPS वाज शोन एज 0। गेम सेंटर का जो FPS होता था फ्रेम पर सेकंड, वो आपको 0 शो होता था, वो भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इशू दैट फोन कैन नॉट बी चार्ज इन सम सिनेरियोस। कुछ सिनेरियोस के अंदर आपका फोन चार्ज नहीं होता था, वो भी सॉल्व यहाँ पे कर दिया गया इशू का, यानी चार्जिंग से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो भी यहाँ पे सॉल्व होती हुई आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब गाइस, हम परफॉर्म कर लेते हैं सभी चेंजेस। तो पहला चेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है सिक्योरिटी के अंदर, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच लेवल देखने के लिए मिल जाता है जून 2020 का। देन नेक्स्ट जो चेंज है वो आपका गेम की जो ऑडियो क्वालिटी से रिलेटेड आपको इशूज आ रहे थे वो यहाँ पे सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। जब आप गेम को प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अब आप यहाँ पे गेम काफी अच्छी तरीके से और स्मूथली खेल पाएंगे विदाउट ऑडियो क्वालिटी डिस्टर्बेंस। देन गाइज, आपको यहाँ पे सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छी स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, आप काफी अच्छी तरीके से फ्लुएंटली मोबाइल को अपने को यूज कर सकते हैं। देन गाइज, अगला जो चेंज है वो आपको लैगिंग इशू के रिलेटेड आ रहा था, वो भी यहाँ पे सिस्टम स्टेबिलिटी के अंदर चेंज कर दिया गया है और काफी बेहतरीन आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम की प्रोसेसिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। जो भी लैगिंग वगैरह के इशू थे आपको वो यहाँ पे सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। देन गाइज, आपको यहाँ पे पावर बटन टू लाइट अप स्क्रीन ये इशू भी सॉल्व हो गया है, क्योंकि आप जब आप पावर बटन को प्रेस करते थे तो आप देख पाते थे कि आपकी स्क्रीन लाइट अप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती थी, अब आप देख सकते हैं ये इशू भी आपका यहाँ पे सॉल्व होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। देन गाइज, अगला जो इशू है जो कि सॉल्व किया गया है यहाँ पे वो आपको देखने के लिए मिल जाता है फिंगरप्रिंट के रिगार्डिंग। जैसे ही आप प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं आपका फोन यहाँ पे अनलॉक हो जाता है, जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका फोन यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा, जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका फोन यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ पे फिंगरप्रिंट से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी यहाँ पे सॉल्व होती हुई आपको नजर आ जाएगी। गाइज, जो अगला इशू आपको सॉल्व होता हुआ नजर आने वाला है वो है आपका वेदर से रिगार्डिंग, जहाँ पर आपकी लोकेशन को ढंग से चेक नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मौसम में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको पता नहीं चल पा रहा था, ढंग से आपके सेंटीग्रेड्स को भी मेजर नहीं कर पा रहा था। तो गाइज, ये सॉल्व हो चुका है यहाँ पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वेदर के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी लोकेशन करेक्टली यहाँ पे दिखा रहा है, आगरा के अंदर हूँ मैं, और मोस्टली यहाँ पे वेदर भी आप देख सकते हैं आपको क्लियर दिखा रहा है और काफ़ी सारा डाटा आपके पास है, आप मेजर भी कर सकते हैं अपने सारे डाटा को। देन गाइज, मैं आपसे अगले इशू की बात करता हूँ जो कि यहाँ पे सॉल्व होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, वो था आपका गेम स्पेस के अंदर। जब आप गेम स्पेस के अंदर जाते हैं और आप कोई भी गेम प्ले करते हैं तो गेम प्ले करने के बाद आपको यहाँ पे इशू आ रहा था, क्योंकि आपके जो FPS होते थे वो 0 पे शो कर रहे थे, वो भी यहाँ पे सारे के सारे सॉल्व होते हुए नजर आ जाएंगे। देन गाइज, अगला जो इशू था वो आपका चार्जिंग से रिलेटेड था। चार्जिंग जब आप मोबाइल को करते थे तो आपको काफ़ी सारे सिनेरियोज में चार्जिंग की स्पीड थी वो फेलियर होती हुई देखने के लिए मिल जाती थी और चार्जिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो वो इशूज भी यहाँ पे आपको सॉल्व होते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइज, ये थे सभी सारे चेंजेस जो कि आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस अपडेट के अंदर। उम्मीद है आपको अपडेट काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको अपडेट पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कि कौन सा फीचर आपका यहाँ पे या फिर कौन सा इशू आपका जो ज़्यादा आपको परेशान कर रहा था वो सॉल्व हो गया। सर, आपको वीडियो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपका अभी भी कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा।
तो गाइज मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।